और अगली खबर है पलामू से, जहां नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है और 12 साल के नाबालिग चाचा ने ही अपनी 5 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। चैनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। मासूम बच्ची 5 साल की है और जो दुष्कर्म करने का आरोपी है वो भी नाबालिग बच्चा है, 12 साल का है और रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है, जिसने 5 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आरोपी नाबालिग है, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पलामू से ये खबर, जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने का आरोपी भी नाबालिग ही है, 12 साल का चाचा जो रिश्ते में लगता था बच्ची का, उसने ही अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। चैनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। समाज के इस बदलते हुए चेहरे से लोग भी हैरत में हैं, जहां न रिश्ते देखे जा रहे हैं न उम्र देखी जा रही है और इस तरह की हैवानियत सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यह समाज का विकृत चेहरा है और जिसके उदाहरण कई बार देखने को मिलते हैं। पलामू से सहयोगी संतोष जुड़े हुए अपडेट के साथ। संतोष, अब बहुत ही विचित्र मामला और बहुत हैरान करने वाली ऐसी खबरें होती हैं कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। 5 साल की मासूम और दुष्कर्म करने वाला भी 12 साल का आरोपी, फिलहाल इस मामले में और क्या अपडेट है? जी निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है। बता दें कि अभी फिलहाल जो है जो नाबालिग आरोपी है उसको रिमांड में रखा गया है और जो बच्ची है उसका मेडिकल जांच भी कर रही है। बता दें कि ये घटना उस वक्त घटी हुई जब बच्ची खेल रही थी और वो भी नाबालिग ही था। वो बच्ची को पहला फुसला कर सुनसान जगह पे ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए फिर अपने परिजन के पास आई, उसकी माँ ने पूछा, उसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, थाने में मामला दर्ज किया गया। तो पुलिस ने भी उसको एक लगाते हुए जो आरोपी नाबालिग थे उसको रिमांड में लेते हुए उसको भेजा गया है। फिलहाल जो है ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारा समाज एक पता नहीं किस ओर जा रहा है कि बच्चे जो है अक्सर इस तरह की गलतियां जो है कर बैठते हैं। जरूरत है भी समाज के वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों को की काउंसलिंग करने की ज्यादा से ज्यादा, ताकि ऐसे घटनाओं पे लगाम लग सके। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब मामला पुलिस के पास है, आरोपी पुलिस के रिमांड में है, लेकिन वाकई ऐसी घटनाएं सवाल जरूर उठाती हैं कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम बच्चों को सही तरीके से उनकी परवरिश दे पा रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? क्या जो आजकल इतने ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं लोग गैजेट्स के, उसका ये नतीजा है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां कम उम्र के बच्चे ही ऐसे घटनाओं में शामिल नजर आ रहे हैं।